हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। फिर स्वागत है नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक में आप सभी का। दोस्तों, इसमें वर्ब चल रहा था, वर्ब का पैटर्न बहुत अच्छे से हम क्लियर करा रहे थे। पैटर्न मतलब होता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में वर्ब का पैटर्न किस पैटर्न पे वर्ब देता है, सेंटेंस में वर्ब का यूज क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब का यूज कैसे करते हैं, ऐसे पैटर्न मैं आपको बता रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है, क्योंकि दोस्तों पैटर्न इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है, क्वेश्चन जैसे बनता है ना पैटर्न पे ही बनता है, इसी में एरर फाइंड आउट करना रहता है। अगर आपको पैटर्न पता रहेगा कि वर्ब का कितने पैटर्न होते हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं क्लियर कराते चलता हूँ। आप पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में भी आता होगा, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं देना है, फ्री में आप पढ़िए। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आज पढ़ना है पैटर्न, तीन चार पैटर्न आपको पढ़ना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग कुछ पैटर्न पढ़ लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करना है। कल फाइव तक पैटर्न फाइव पढ़ लिया था, पैटर्न आज सिक्स पढ़ना है, सेवन पढ़ना है, एट पढ़ना है और नाइन पढ़ना है। अब देखिए एक्चुअली में सिक्स पैटर्न क्या कह रहा है, तो सिक्स पैटर्न में आप देखिए, वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलता है बहुत ज़्यादा। ये पैटर्न है, पहले आपको सब्जेक्ट आता है, इतना तो कन्फर्म है, सब्जेक्ट पहले रहता है। दूसरे नंबर पे आपको वर्ब आता है, ये भी आपको कन्फर्म है। ये वर्ब दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक हो सकता है एम वी मेन वर्ब। एक आपका हो सकता है एम वी और एक आपका हो सकता है एच वी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके जस्ट बाद दोस्तों नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में और यहाँ पे आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें फंडा ये बनता है कि जो एडजेक्टिव है लास्ट में क्यों आ रहा है, एडजेक्टिव लास्ट में क्यों आ रहा है। और आपको पता है दोस्तों कि एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है, इतना तो आपको कन्फर्म था। लेकिन यहाँ पे तो उसके जस्ट विपरीत हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव जो आया है नाउन और प्रोनाउन के बाद आया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप जब पढ़े हैं तो आप पढ़े हैं कि पहले नाउन या प्रोनाउन के बाद पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद एडजेक्टिव दे दिया है, इसीलिए सेंटेंस आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ना, ये क्या है तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है यह उस अवस्था को दर्शाता है कि जो क्रिया द्वारा किया गया हो, जो क्रिया की वजह से हुआ हो, मतलब यहाँ पे जो वर्ब के वजह से जो अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है, उसी को दर्शाता है एडजेक्टिव। या नाउन या प्रोनाउन के साथ मिल के आपको ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इतना कन्फर्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। कह रहा है ही पुश्ड द डोर ओपन, वह दरवाजे को दबाता है, क्या करने के लिए, खोलने के लिए ना, दरवाजे को पुश करता है खोलने के लिए। यहाँ पे पुश आ गया, ये आपका मेन वर्ब, पुश आपका मेन वर्ब हो गया, कन्फर्म ये वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे द डोर आ गया, ये द डोर आपका नाउन है, नाउन हो गया, और यहाँ पे ओपन आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन लास्ट में एडजेक्टिव क्यों आया है, तो आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि जो वर्ब है इसके द्वारा दर्शाया गया जो कार्य है, इसके द्वारा दर्शाया गया जो एक्शन है, जो स्थिति है, उसको ये फाइंड आउट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए पुश करता है क्या करने के लिए, तो खोलने के लिए, पुश करता है खोलने के लिए दरवाजे को। इसका मतलब कि जो वर्ब है इसके द्वारा स्थिति उत्पन्न को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया, इसके द्वारा स्थिति को दर्शाने के लिए यूज कर दिया गया। पुश करता है दरवाजे को खोलने के लिए, तो उसकी स्थिति क्या है, तो वर्ब भी तो स्थिति उत्पन्न कर देता है, यहाँ पे वर्ब ही तो स्थिति ऐसा सिचुएशन एक उत्पन्न कर दे रहा है खोलने वाला, तो हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए कह रहा है सी वॉश द प्लेट्स क्लीन, वॉश्ड आ गया और यहाँ पे द प्लेट्स आपका नाउन हो गया और उसके बाद द क्लीन आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे जो वॉश्ड आया है इसी के द्वारा तो उत्पन्न अवस्था को दर्शाने के लिए क्लीन का यूज किया गया है। वॉश्ड मतलब धोता है, क्लीन मतलब साफ, तो धोता है, क्या धोता है, बर्तन धोता है, क्या करता है, साफ धोता है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे वर्ब आया है इसी की अवस्था, इसी के द्वारा उत्पन्न जो सिचुएशन है उसी को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एडजेक्टिव का यूज हुआ। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव लास्ट में आ जाता है तो
सेंटेंस को एरर नहीं करना है, सही है, बस इस बात में ध्यान रखना है कि उसका जो वर्ब है उसके द्वारा उस पर उत्पन्न जो सिचुएशन है उसके द्वारा की जो सिचुएशन उत्पन्न होता है उसको फाइंड आउट कर रहा है एडजेक्टिव की नहीं, एडजेक्टिव उसको दर्शा रहा है कि नहीं। कंफर्म हो गया, आई होप कि फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया मैं कोशिश करूँगा फिर आपको समझाने के लिए। देखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न में कौन कौन से वर्ब प्रयुक्त होते हैं, इस पैटर्न में वर्ब कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, ये आपको लर्न रहेगा तो पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव लास्ट में यूज होगा कि नहीं। गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न्स, फाइंड, लाइक, वास, या वास विश में प्रयुक्त होता है और विश भी प्रयुक्त होता है। तो इस वर्ब में ए आपका जो वर्ब है ना, इस पैटर्न में ए वर्ब आपको प्रयुक्त होता है। अगर ए वर्ब आपको इस पैटर्न में, मतलब अगर सेंटेंस में ये वर्ब आपको मिल गया तो ये समझिएगा कि एडजेक्टिव लास्ट में ही होगा। कन्फर्म, ये पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, पैटर्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक पैटर्न ये बनता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है। इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आ चुका है, मैं देखा हूँ, क्वेश्चन एनालिसिस किया हूँ, बहुत ज़्यादा मिला है। तो देखिएगा एग्जांपल तौर पे देखेंगे समझ में आ जाएगा। दिस कार, यह कार, मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कन्फर्म, बिलोंग्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों वर्ब हो गया, क्योंकि बता है कि प्रजेंट इन्फिनिट टेंस में आपको वर्ब में यस एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। कन्फर्म, यहाँ पे जब आएंगे टू मी, वर्ब के जस्ट बाद देखिए टू का यूज कर दिया और यहाँ पे जो मी है ना ये आपको प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट या इसको प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। तो देखिए प्रोनाउन है, जस्ट बिलोंग के बाद टू का यूज कर दिया, इसका मतलब सी मीट विथ एन एक्सीडेंट, यहाँ पे विथ आया, देखिए मीट आया वर्ब इसके जस्ट बाद एन, With आपका प्रीपोजिशन है, with का यूज कर दिया एन एक्सीडेंट। शी सक्सीड इन हीज अटेम्प्ट, तो यहाँ पे इन आपका क्या है प्रीपोजिशन है, हीज अटेम्प्ट आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे सक्सीड आपका वर्ब हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों, जो प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट युक्त होता है ना वही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। कन्फर्म, इसमें 7 नंबर का पैटर्न बहुत ईजी है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस इन्फिनिटिव। और आपको पता है दोस्तों कि सब्जेक्ट वर्ब आता है उसके बाद आप इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव जब पढ़ाया था तो आपको अच्छे से क्लास देखे हो, समझ में आ गया होगा। उसी पैटर्न पे है, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया और यहाँ पे टू यूज हुआ है ना, ये देखिए वर्ब के लिए यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब है वांट्स, देखिए इसके अनुसार कैसे यूज हुआ है। सी वांट्स, वांट्स मीन्स वो चाहती है, क्या चाहती है दोस्तों, तो सोना चाहती है, क्या चाहती है, सोना चाहती है। वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना, अब वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यूज हुआ है ना इन्फिनिटी टू, वह क्या चाहती है, तो सोना चाहती है। नेक्स्ट वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है ही फॉरगेट टू टेक हीज मेडिसिन। यहाँ पे जब देखेंगे फॉरगेट मतलब वो भूल गई, टेक हीज मतलब उससे मेडिसिन लेना, वह भूल गया उससे मेडिसिन लेना, यहाँ पे कंफर्म। तो यहाँ पे आपको फॉरगेट आ गया वर्ब और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि टेक हीज मेडिसिन आ गया, मतलब वर्ब को फाइंड आउट कर रहा है फॉरगेट, वो भूल क्या रहा है दोस्तों, तो उससे मेडिसिन लेना भूल रहा है ना, भूल क्या रहा है तो उससे मेडिसिन लेना भूल रहा है, तो यहाँ पे टू का यूज हो गया। कन्फर्म, और इसमें तो आपको पता है कि हीज आपका प्रोनाउन है, मेडिसिन आपका क्या है नाउन हो जाएगा, टेक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख लीजिएगा टेक यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स कौन कौन से हैं, तो अगर ऐसे पैटर्न आए तो ये वर्ब यूज हो जाते हैं, तो समझिएगा कि यहाँ पे टू और इन्फिनिटी का ही यूज होता है, टू प्लस वर्ब का। लाइक, लव, प्रीफर, विगेन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, प्रपोज, डिजायर्स, विश, वांट्स, अगर ए वर्ब आ जाता है तो समझिएगा कि पैटर्न नंबर 8 है और इस पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्फिनिटी यूज होता है। कन्फर्म हो गया पैटर्न नंबर 8, कमेंट करके बताइएगा कन्फर्म हुआ कि नहीं, कन्फर्म नहीं हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कन्फर्म आपको हुआ कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा।
आज का नेक्स्ट पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और लास्ट पैटर्न्स, इस क्लास का लास्ट पैटर्न्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ पे आपको एक बात ये दिमाग में रखना होगा कि अभी ऊपर वाले में जस्ट देखिए, अभी ऊपर वाले में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव हम पढ़े हैं, नीचे वाला में दोस्तों उसके जस्ट अपोजिट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव हो गया। ये क्या फंडा है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, वॉन्ट जो आ गया ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे यू जो आया है ना ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउंस हो गया। उसके बाद देखिए टू हेल्प का यूज कर दिया, इसके मतलब इन्फिनिटी का यूज कर दिया। ऐसे पैटर्न्स आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट। डॉक्टर ने एडवाइज दिया, सलाह दिया क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। द डॉक्टर आपका सब्जेक्ट हो गया, एडवाइस सलाह देना उसकी क्रिया हो गई, और हिम यहाँ पे आपका प्रोनाउंस आ गया। देखिए टू रेस्ट, उसके बाद वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर दिया। तो पैटर्न नंबर 9th भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस ये पैटर्न्स आपको रन रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव भी हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है। तो ये चार पैटर्न्स आपको रन रखना है, बस इसका पैटर्न्स किस हिसाब से होता है प्रयुक्त सेंटेंस, आप इस पर जब वर्क करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पैटर्न्स में देखिए कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं, ask, tell, order, command, encourage, urge, want, request, wish, accept, force, tempt, teach, invite, help, mean, warms, love, like और hate। इस पैटर्न में जो वर्ब यूज होने वाले हैं वो है दोस्तों ask, tell, order, command, encourage, urge, want, request, wish, accept, force, tempt, teach, invited, help, mean, warms, love, like और hate। तो आई होप कि दोस्तों आपके क्लियर हो गया होगा, मैं कोशिश किया समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं जितना बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन करते जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट यकीन मानिए कि आपका कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला है। आप अटैम्प्ट कर लेंगे, फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा कि नहीं। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब प्रेस कर देंगे तो जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश की एकदम बेसिक से क्लासेज, मैथ की बेसिक से क्लासेज आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। जो इंग्लिश की क्लासेज होती है सुबह 7 बजे, मैथ की क्लासेज होती है शाम को 5 बजे, और जीके का क्लासेज होता है दोस्तों रात को 10 बजे, करंट अफेयर्स का क्लासेज होता है दोस्तों सुबह 4:30 बजे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, और किसी को प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा, फैमिली मेंबर को सपोर्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का, जो बेस्ट ट्रेंडिंग में हो, जो ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछता हो। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार टिक के साथ। बने रहिए वीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।